टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित टाइम्स टॉक कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र मन अहमद के बीच में अतिथि क्षेत्र महेंद्र मधुकर नेपाली कांग्रेस के पूर्व सांसद नेता। देश के समसामयिक अवस्था अखन के जे राजनीतिक परिदृश्य है एक पुरान राजनीतिक कर्मी भेला के कारण से पूर्ण रूप में बुझ रहा छथि। एक अद्भुत या कहल जाए अपार व अभिमत प्राप्त सरकार के काम शैली के नेपाली कांग्रेस कौन रूप में मूल्यांकन कर रहा है यह सब विषय वस्तु के जोड़ के हम सबसे बात करें। सबसे पहले स्वागत करें महेंद्र जी, महेंद्र जी स्वागत, धन्यवाद। सबसे तो पहले कर जाए अपने सबसे पुरान कांग्रेसी मध्य अखन दू तिहाई के सरकार है, इस सरकार के कार्य शैली के अपने सब कौन हिसाब से मूल्यांकन कर रहा है? अखन जे दू तिहाई के सरकार है तो दू तिहाई के दम्भ देखा कर वो प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यता के विपरीत संघीयता के विपरीत बहुत काज सब कर रहा है। जे प्रजातांत्रिक सरकार के तौर तरीका एक हो जनता के भावना अनुसार काज कर सबके बिल्कुल विपरीत काज सब भ रहा है। जे अपने अनुभव कने हुए काठमांडू में के विरोध में पत्रकार सब आंदोलन कलक मुठी के गुठियार सब आंदोलन कलक तो सब प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यता के विपरीत संघीयता के विपरीत बहुत नियम कानून सब सब बनाबे के प्रयास में लागल है। जो प्रजातंत्र के खत्मे करे के हिसाब से काज कर रहा है। कांग्रेस के एक रटी रटाव अवस्था की छे आगे सत्ता में जब तक कांग्रेस रहे छे तब तक बुझाई छे प्रजातंत्र के रक्षा से सत्ता से हटते बुझाई छे जे ओकरा प्रजातंत्र के सबसे बेसी खतरा बनल छे प्रजातंत्र ओकरा उहे देखाय छे अर्थात सत्ता संगे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के जोड़े के प्रयास कर रहल छे। नेपाली कांग्रेस के विषय में या अइ धनुषा बहुतरी के विषय में तथ्यगत इतिहास अखन धरि कांग्रेस के नहीं लिखा है। अ बीच में एक किताब अल हरिहर बिरही के जे वही समय के विषय में कांग्रेस के आंदोलन व वही समय के प्रजातांत्रिक आंदोलन के विषय में चित्रण किया गया है। अपने के नाम से ओमे बेर बेर राखा गया है बजन नेपाली लगायत के नेता सब अपने महेंद्र मिश्र इनका सबके विषय में बहुत रास से चर्चा परिचर्चा ओमे कैल गया है। कांग्रेस इतने बड़का अपने सबके पुरान कार्यकर्ता छे कांग्रेस के अखन के जे ई हबियत भेल छे एकर कारण की छे? बहुत सुंदर प्रश्न कैल गेल अपने और वास्तव में नेपाली कांग्रेस के जे एकटा इतिहास है सबसे जे पुरान पार्टी है और ओहि रूप में ओकरा कार्यकर्ता के अपन मूल्यांकन कऽ कऽ जे एकटा इतिहास राखक चाही एकटा सब ढंग से हमर पूर्ण कार्यकर्ता पूर्ण रूप में छे ओ जे ओकर रिकॉर्ड राखक चाही से अखनो तक पार्टी में नहीं छे। विडम्बना छे दुर्भाग्य छे कि ककरो ओहन जिम्मेवारी दऽ के विभिन्न निकाय सब बने छे अतः अपने के एहन टेक्नोलॉजी चल रही एक बेर आगे कंप्यूटर पे धो दे वो सेफ रहते कखनो आके चाहे कोनो आदमी चाहे तो खोल कर देख सके देख सके छे लेकिन तैयो पहलू रिकॉर्ड में राखल जा सके छे पटक पटक कार्यकर्ता के फॉर्म भर भर के सब कुछ कर के लेकिन तैयो अखन तक हम तो यहाँ तक देख लीजिए जे पार्टी छोड़ के चल गए दूसर पार्टी में मर गए कई साल पहले तेहनो के सक्रिय सदस्यता में छह है ना जे छह वर्तमान में सक्रिय सदस्य ओकरो छाटि देल गेल छै तो मने ई सब विडम्बना छै तो रिकॉर्ड वास्तव में जे रूप में पार्टी के राखक चाही वो नहीं छै और एम के जे हबीगत भेलै प्रदेश से लऽ के संघीय निर्वाचन तक तो ओहिमे वह हम देखलिए कि एक तो सबसे प्रमुख कारण भेलै जे दुनू वामपंथी शक्ति एकजुट भऽ गेलै मूल कारण तो ओहो भेलै जे एमाले माओवादी एकजुट भऽ गेलै पहाड़मे ओकर नारा बुलंद भेलै कांग्रेस के विरोधमे कहला तऽ विषयमे जे भारत के तरफ से नाका अथी
पार्टी की तरफ से जो मधेशवादी दल सब के तरफ से नाकाबंदी रहे और भारतों की तरफ से नाकाबंदी भ गए तो वह के संबंध में कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकते जबकि राष्ट्रीय स्वार्थ के हिसाब से अपना जनता के हिसाब से कुछ न कुछ पहल करक चाहे वो सत्ता में रहे तैयो आ प्रतिपक्ष में रहे तैयो भारत से जो हमारा सबके संबंध मित्रता है तो वह सब के हिसाब से पहल कर निकलते और कार्यकर्ता सबके भावना अनुसार पार्टी नहीं चल सकले वो विभिन्न हिसाब से दूसर तरीका में गले टिकट वितरण कलके टिकटों जरा प्राप्त भेले वो कार्यकर्ता के मूल्यांकन करके समेट के जो ल जाए के चाहे से सब तौर तरीका सब नहीं अपनल के ताहि के चलते हमारे पार्टी के यहाँ विगत भेले न तो जनता में निम्न अवस्था रहितों में जो देखल के जनता मूल्यांकन कलके अपना ढंग से कि जो नहीं कहो पार्टी में ओते लगाने के नहीं ओकरे सब प्रोत्साहित कर रहा है जो कलक तो प्रोत्साहित कर रहा है तो वह सब के कारण से हमारा बुझाए हमारा पार्टी के ध्यान अपने सबके जिला में मधेश अपने सबके पूर्व कहा जाए पूर्व नेता अपने के पार्टी के पूर्व नेता आ मधेश केंद्रित दल सबके सर्वमान्य नेता महंत ठाकुर जी चुनाव लड़े थे अपने सब जिला से अपने सब शुरू में हुनकर विरुद्ध में उम्मीदवारी दिली बाद में उम्मीदवारी फिरता लगे हुनका अपने सब सहयोग के लिए वोट दिली अपने सब के डिसीजन अखन एना संदर्भिक होते नहीं हो सके लेकिन अखन की परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति के मूल्यांकन करे अपने सब के डिसीजन ठीक रहे या अपने सब बेठीक अवस्था में रही हम सब महंत ठाकुर जी के विरोध में कोनो उम्मीदवारी नहीं देने छले वो केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय हमर पार्टी से जे पहिने ही तालमेल मिलावे के चाही अगर तालमेल मधेशवादी दल जोड़े मिलावे के विषय में जो प्रयास भेले तो वो कते कारगर छै नहीं छै ते सब के सोच के निर्णय क के तब करक चाही से केंद्र से वो गड़बड़ी भेल छै एहिठाम स्थानीय स्तर से हमारा जिला के स्तर से कोनो ओहन बात नहीं भेल छै केंद्र टिकट देलके लड़ेला कहलके बदल नेपाली के तो बारी उठाम देलके लेकिन वो हथुआ ताल से निर्णय सब भेल छल अगर हमरा हमर मान्यता रहे वा बहुते जनरल साथी के हम मान्यता रहे जे पार्टी अगर तालमेल कर रहल है तो ओकर प्रष्ट धारणा होबक चाही मधेशवादी दल जोड़े राज्यपाल जोड़े वा जरा जोड़े कोनो ढंग से समझदारी समझौता भ रहा है तो वो टिकट वितरण से पहले भ जाए चाहिए सब लेकिन वो नहीं भेल और महंत ठाकुर जी के बारे में कहल जाते महंत ठाकुर जी हमारे आदरणीय गुरु और पार्टी में बहुत नेता के गुरु और पार्टी में सेहो गुरु मैंने पढ़ाई में पढ़ाई समय में हम विद्यार्थी जीवन में जा रहे तो वो हमारे गुरु के रूप में रहते और हमारा सबके पार्टी में सक्रिय केना भेल जाए गुरु रहितों में टीचर रहितों में हमारा सबके प्रोत्साहित करते सब ढंग से नीति निर्देशन देते तो हुनका पार्टी जब दूटा भ गए दोसर पार्टी में गल तो उस समय में हमरो सबसे राय सलाह करने रहते शुरू में लेकिन वो उचित समय नहीं रहे हमारा सबके लागल रहे लेकिन तैयो वो अपन तो हमारा सब गुरु है चल गए उनकर मान मानल कि वही में तो वही ढंग से गलन तो उनका अब दोसर पार्टी भेला के कारण तब पार्टी के हमरा सबके जे नीति निर्देशन होते ते हिसाब से हमरा सब चले पड़ते लेकिन उनकर व्यक्तिगत खिलाफ में हम सब कोनो उम्मीदवारी दिलिए वा हम सब कोनो विरोध कलिए वा बाद में समर्थन कलिए से बात नहीं पार्टी से जब ओहन भेले तो बजरंग नेपाली के राष्ट्र में फिरता लेबे पड़ले और उनके समर्थन हम सब कलिए लेकिन मधेशवादी राजपाट जे पहल करक चाही कांग्रेस के साथ अगर ओहन समझौता भेल रहे समझदारी भेल रहे तो वो फिर कांग्रेस के तो एको ठाम कोनो ढंग से मदद नहीं कर विमलेंद्र निधि जैसन एहिठाम हमारा मधेश के नेता जे हमारे पार्टी के तरफ से
केंद्र में उपाध्यक्ष महामंत्री सब कुछ रहला तो ओकरो जना महंत ठाकुर जी के समर्थन में हम सब मान लू कि अपन बाजार फिरता तो हुनका सब के कोनो पहल होबक चाही कि नहीं होबक चाही। ये सीट एकटा अड़चन बनि गेलै राजेंद्र महतो कहलखिन जे हम ई सीट पर लड़बे करब विमलेंद्र जी कहलखिन जे हमहूँ ई सीट नहीं छोड़ब इहे मोच के लड़ाई के कारण से आगे राजपा कांग्रेस के समझदारी नहीं बन सकल पार्टी तक तो कोनो समझदारी नहीं मिले तो वो ठाम जे हम सब मान जे महंत ठाकुर जी के और समर्थन नहीं किए तो हुनको लेल कठिनाई तो भऽ सकै छलै लेकिन हम सब जिम्मेदारी पूर्वक पहल कर लेकिन हुनका सब के तरफ से जिम्मेदारी पूर्वक पहल नहीं कर अब मोच के लड़ाई केना की रहे सब केंद्र जाने हम सब जे सहन कार्यकर्ता देखलिए जे ओहि रूप में जे होबक चाही से नहीं भेल पहल तब कहाँ की रहे केंद्र में सब अपने सब दू तीन टा जगह पर समर्थन कयने रही मधेश केंद्रित दल सब एकटा उपेंद्र यादव जी के विरुद्ध में जे अपने सब उम्मीदवारी देने रही वो फिरता रहे अखन उपेंद्र यादव जी सरकार में छथिन राजपा सरकार बाहर छे किछ दिन पहिने राजपा सरकार के समर्थन केने छले सरकार में सहभागिता नै जनेने छले प्रदेश में दुनू पार्टी के सरकार छे अपने सब विपक्ष में बैसे छिए ई तमाम राजनीति गंजम गोल के परिदृश्य छे ई कहल जाय हमरा सब के जे राजपा या फोरम के राजनीति डिसीजन अखन ठीक छे या बेठीक छे या कांग्रेस के मधेश के दृष्टिकोण ठीक छे या बेठीक छे वास्तव में हमर पार्टी विषय में उपेंद्र जी के महंत ठाकुर जी के और एक दू जगह और समर्थन कर लेकिन हुनका सब के तरफ से मधेशवादी दल सब के तरफ से जे नेपाली कांग्रेस के सहयोग करे के हिसाब से तब जब आपसी समझदारी हो तो एक दूसर के सहयोग करे के धारणा और भावना बनी लेकिन कांग्रेस एक तरफी ढंग से उनका सबके सहयोग कल के विषय में चुनाव के समय में लेकिन उनका सबके तरफ से न चुनाव समय में ओहन पहल भेल कांग्रेस के रास्ता कनिका मजबूत हुए ओकरो हम सहयोग करी ते ढंग से न ओहि समय में भेल और अखन तक उपेंद्र जी सत्तू में थे आ इमहर बाबू राम भट्टराय जी जो फिर ओहि पार्टी के एकीकरण भेल तो इमहर अब सड़कों में कहे थे हम सड़कों में जाए राजेंद्र मोदी राजपा वाला सब सेहो पहले सरकार के समर्थन में गए आ जब उनका सबके कोनो पद नहीं मिले वाला भेल ओकरा अपने दू तिहाई ओहिना पहुँच गए तो ओकरो सबके फिर कहियो के ओकरा सबके एकोटा बात नहीं कल के तब तो सब समर्थन फिरता लग के अखन अब सड़क में जाए के वो सब बात कर तो अब हम जे कहे कि उनका सबके मधेशवादी दल सबके ठीक नीति के बेठीक से हम तो कहो जे जनता देखो जे द्वैत चरित्र के बात हमेशा जे मधेशवादी दल सब कर रहा छे माने हसबो करब आ गालो फुला तो वो दोनों एक बाजे नहीं होइ छे लेकिन सत्व में छे आ संघर्षों में छे बात कर रहा छे तो मधेशवादी दल के जे दोहरो चरित्र तो मधेशी जनता के ठग रहा छे न अखन तक ला उनका सब ते संविधान संशोधन के पहल भ सकल राजपा के तरफ से जो मांग रहे वो लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक कर के ओकरा लागू कर के सेहो सब कुछ नहीं करके जो रेशम चौधरी के टांग में नेल लगा के रखने रहे तो तब सामूहिक विरोध मानव अधिकार समिति के तरफ से वा जनता के तरफ से पहल भेल तो ओकर नेल छुटले लेकिन पहल की भेल ओकरा सबके तरफ से सरकार के कतनो समर्थन करके तो ओकरा सबके तरफ से की पहल भेल सरकार तरफ से कोनो पहल भेल ना अखन तक ले गोटा ओकरा सबके भावना अनुसार संविधान के संशोधन के पहल भ रहल कुछ भ रहल तो ते हमरा पूछल जाते
तो हम तो कहब जे मधेश मने देशों के स्वार्थ के हिसाब से मधेशवादी समझे चल रहा है और मधेश के तो स्वार्थ जो है मधेशवादी के बात है तो उनके परिपूर्ति करने के हिसाब से तन को पहल निभा रहा है बरो नेपाली कांग्रेस मधेश के प्रति जहन धारणा रखा होते तो वही में उपरोक्त थे तो वही हिसाब दो जनता के भावना रखो कि मधेश के प्रति नेपाली कांग्रेस नहीं नेपाली कांग्रेस एकता गुंडा के जखन गोली ठोकल जाए छे तखन नेपाली कांग्रेस बजे छे लेकिन रेशमलाल चौधरी के जखन जेल में ठुसल जाए छे तखन नेपाली कांग्रेस नहीं बजे छे खून बहादुर खड़का के जेल में जखन देल जाए छे या गोविंद राज जोशी के जखन जेल में देल जाए छे तो नेपाली कांग्रेस ओकर विरोध करे छे लेकिन जयप्रकाश गुप्ता के जखन जेल देल जाए छे तखन विरोध नहीं करे छे मैं वो तब वो अख्तियार से सर्वोच्च अदालत से तब सर्वोच्च अदालत के तब सब नेपाली कांग्रेस खास कर सर्वोच्च अदालत के निर्णय के मान्यता ले रहता अदालत के स्वतंत्र है ते हिसाब से मान्यता राखा के हिसाब से वहन जे अदालत के तरफ से कोनो बात आ ले तो वही में तो नहीं विरोध जनल के ना जब प्रकाश गुप्ता के विरोध में जनल के ना चिरंजीवी बागले के विरोध में ना गोविंद राज जोशी के समर्थन में कोनो वन बात बने हाँ उनका सबके जे नजदीक के अपन कार्यकर्ता पार्टीगत स्तर से वहन कोनो पहल वो समय में नहीं है लेकिन जरा फंसाएल गए षडयंत्र करके तब उनके विरोध में वास्तव में कांग्रेस के बोलक चाहे चाहे वो कोनो दल के रहे राजपा के हुए मधेशवादी के हुए व कांग्रेस के हुए लेकिन जरा षडयंत्रपूर्ण ढंग से फंसाएल जाए तो मोहन के विरोध में ओकरा पीड़ित पक्ष के समर्थन कर चाहे चाहे एक बात कह जाए अपने गांव में रहकर राजनीति चलनी चाहिए राजनीति करे छे जनता के बीच में रहे छे गांव के अर्थात जनता के बीच में भेज के करे छे राजनीति अखन देश में संघीयता आयल छे संघीय सरकार काज कर रहल छे प्रदेश नंबर दू के सरकार अहाँ के विभिन्न योजना सब ल रहल छे जे कह रहल छे आगे की योजना सब जनता के हित में छे गांव गांव में विकास पहुंचल छे अपने के हिसाब से ओना अखन तब संघीय मान्यता अनुसार तीन टा सरकार छे लेकिन इमर प्रदेश सरकार के वहन कोनो कार्यक्रम हम सब कोवर नहीं देखल लिए स्थानीय सरकार जे नगर पालिका छे गांव पालिका छे तो उकरा सब के कार्यक्रम सब जे बहुत सके जब हमरा जानकारी में नहीं आ रहे कौन कौन कार्यक्रम रखल के हम वही रूप में अध्ययन नहीं कर सकल लिए प्रदेश सरकार के लेकिन अखनो जे रूप में होबक चाहे ठोस कार्यक्रम सब होबक चाहे दीर्घकालीन योजना सब जे संचालन करक चाहे तो वो दीर्घकालीन योजना सब दिखाई नहीं पड़ रहा है बेसी चाहे स्थानीय सरकार के माध्यम से हो केंद्रीय सरकार के माध्यम से हो संघीय व प्रदेश सरकार के हिसाब से हो बेसी माटी भरा वाला काम ड्रेवल के काम जेमे बेसी बजट के दुरुपयोग कर ला सके वो अपना पार्टी के कार्यकर्ता के काम दे सके अब पहले ठेकेदार के माध्यम से हो चले लेकिन अखने उपभोक्ता समिति के माध्यम से तो वो अघोषित रूप में उपभोक्ता समिति एक ठेकेदार के रूप में दिखाई दे रहा है और ठोस काम कहूँ होते नहीं भर रहा जिससे हम जनता में तखन तो निराश भर जनता तो निराशाजनक अवस्था में संघीयता के अर्थ भेल जे शक्ति के विकेंद्रीकरण जो शक्ति के विकेंद्रीकरण गांव में चल रहे आप हम एक नया राजधानी बना लिए सुंदरबार बना लिए तो जनता के शक्ति विकेंद्रीकरण की फायदा तखन तो आगे संघीय सरकार की कोनो उपलब्धि नहीं बुझा रहा है अब केंद्र से संचालन करे वाला अगर मजबूत निकाय हो ईमानदारी पूर्वक अगर संचालन करे तो संघीयता आवश्यक है और एक मजबूत करे के हिसाब से पहल हो तो हमारा बुझा भविष्य में एक निमन काम हेतु लेकिन अखन तक ईमानदारी पूर्वक वहन नहीं भ रहा है अब जे प्रदेश सरकार के स्थानीय सरकार के करक चाहे तो ओहू में अब संघीय सरकार पहल करे लगे
वही ठाम से वो अपन वर्चस्व कायम करे के हिसाब से पर लगे पहाड़ तो ते के चलते संघीय सरकार मजबूती के साथ काम नहीं कर पा रहा है। अब जे तीनों के बीच में तालमेल हो चाहिए से तालमेल तखन ई संघीयता के समन्वय के अभाव में संघीयता कत नजते इसके एक न एक दिन ओहन फिर समय आते जे समन्वय करे के लिए बाध्य होय पड़ते संघीय सरकार के कोई न कोई ओहन पहल करे वाला निकलते और हमरा बुझाए कि जे संघीयता संविधान में व्यवस्था भ गेल छै एते आगाड़ी बढ़ि गेल छै तऽ नया नया जे है अवधारणा नया समय है तो ओहिमे कनिका कठिनाई भऽ रहल है लेकिन एक न एक दिन मजबूती औतै और निम्ने तरफ लऽ जेतै से हम एकटा बात कहल जाए जेना नेपाल के राजनीति के तमाम उठा पटल पटक के अपने सब देख लिए संसद बनलिए ताहिके बाद अहाँके भाव अपने सबके समयमे ही अहाँके माओवादी के जनयुद्ध भेलै माओवादी के जनयुद्ध भेलाके बादमे तकर बाद अहाँके क्रमिक रूपसँ अवस्था ई अलै राजा राजतंत्र अतलै देश गणतंत्रमे गेलै ई तमाम परिवर्तनसँ भेलै 40 सालके परिवर्तन ओहि से अहाँके 36 सालके परिवर्तन तमाम परिवर्तनसँ भेलै अखन अहाँके कतेक गोटे राजनीति जानवला बुझवला ई कहि रहल छै जे देश फिर हिंसात्मक द्वंद के अवस्था में प्रवेश कर रहा है एक अवस्था दिखाई रहा है जो विप्लव के नाम पर कतौ न कतौ देश हिंसात्मक रास्ता में जा रहा है दोसर गोटे के आशंका ई छै जे जै रूप से ई संविधान में किछ किछ शक्ति सबके बाहर राख के प्रयास कर गेले ओइसा फिर एक द्वंद हेते और फिर पुरनका व्यवस्था अर्थात राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली फिर आब सकैए नेपाल में ई आशंका व्यक्त कर रहल छै अपने के बुझाए कि सबसे पुरान व्यक्तित्व मध्ये राजनीति करय वाला छी तै दुआरे हम अपने के प्रश्न रखो की अवस्था से राजनीति वास्तव में देश के राजनीति एकटा कठिन मोड़ में छै और जे एकटा राजनीतिक स्थिरता के हिसाब से नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद बिरावा पहल करके ओहन मार काट करे वाला माओवादी रहे ओकरो मूल धार में आन के संसदीय व्यवस्था के तरफ आकर्षित करथिन और वही रास्ता में ओकरा सबके बढ़ जेथिन ओहिसे पहले ये मामले सेहो मुड़कट्टा पार्टी के हिसाब से चल रहे तो ओकरो नेपाली कांग्रेस अपन सिद्धांत पर अड़ के ओकरो सबके पहल करके शुरू झापा विद्रोह के बाद वो सब प्रजातांत्रिक मूलधार आयल रहे और अखन हम सब सोचलिए जे माओवादी चल रहे मूलधार में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के संसदीय व्यवस्था के मानल संसदीय व्यवस्था के मानव वाला तो माओवादी नहीं छे लेकिन वो चल रहे तो ओकरा जोड़े ओकर सब चल रहते लेकिन से नहीं मिले और अखन जब ओकरे सबके वामपंथीय के दू तिहाई के सरकार छे तो हम सब कहलिए जे ओकरे सबके हांगा सब है डाल पात है ओकरे हाथ गोर सब है जे हमर चिड़िया अयलै तऽ ओसब समेट कर लेते लेकिन समटे के तरफ से जना गिरिजा प्रसाद कोइराला के तरफ से पहल भेल रहै तऽ माओवादी और मुंधार तो तेना जे उली के सरकार के तरफ से पहल हो जाए से नहीं भेले एक के बाद आरो ओकरा हिंसा के तरफ एकरा एक बुझल जाए ना जे कांग्रेस विगत में गलती कल के माओवादी के समय में माओवादी जखन देश में आके एक हिंसात्मक गतिविधि करते जे रूप से नेपाली कांग्रेस पेश भेले जे के कारण से भयावह परिणाम भेले स्वीकार में कोनो हर्ज नहीं होना चाहिए कांग्रेस प्रतिबंध लगा के सेना प्रचार करके प्रहरी के आगे सशस्त्र प्रहरी गठन करके तमाम किस्म से गेले ओहे टैक्टिक्स में अखन के सरकार लाग रहल छे ओ लेकिन जे अंतिम पहल भेले तो ओकरा त कारगर पहल कहल ओ गलती अब जे कहने होय त राजनीति में कभी कभी बुझाइ छै जे एना करबै तऽ एना होतै निमन होतै
लेकिन गड़बड़ भ जात रहे छे त आखिर कांग्रेस जे पहल करते और माओवादी आले मूलधार में त ते ढंग से जे कीपी ओली के सरकार के पहल करब चाहे ए विप्लव समूह के मूलधार में लाबे के लिए से पहल नहीं करते त ओ त बुझा रहल है अपन जे वास्तव में ओ हिंसा के राजनीति कुछ प्रसरण पते ते लेल अखनो समय छे जे ओकरा से वार्ता करके मूलधार में लाबे के प्रयास करब चाहे और जहाँ तक राजतंत्र के परिकल्पना कुछ रहल जे फिर अते वापस तो हमरा से नहीं बुझा रहा है पूरा जनता के भावना यह नगारी पीढ़ी गल है प्रजातांत्रिक भावना जो घर कर गल है तो कोनो भी शक्ति वो प्रजातंत्र के समाप्त कर के हिसाब से जो कहते जे एक फिर अब पछाड़ी तानाशाही प्रवृत्ति में ला जाए तो वो अखंड के अवस्था में हमारा संभव नहीं बुझा। मधेश में अंतिम प्रश्न रहता मधेश में अखन दुटा ध्रुव देखल जाए छे एकटा राजपा एकटा फोरम जे शक्ति के राजनीति जनता के जनादेश प्राप्त शक्ति मधेश के भीतर अखन वो सब पहल कर रहल छे कम से कम एक एकटा शक्ति बनाल जाए नया वैकल्पिक शक्ति के रूप में उठी पहल कर रहल छे एकता के एकटा शक्ति के मानक के लिए लोग तैयार नहीं छे कते कहे छे जे यहाँ के आयातित शक्ति छे कोई कहे छे जे नहीं वाम शक्ति द्वारा प्रचारित शक्ति छे लेकिन मधेश में धीरे धीरे रुझान आ के सिक्के राउत के दिस बढ़ रहा है अपने के किला में जो नया मधेश में वैकल्पिक शक्ति बनने के संभावना के रास्ता में हो छे ओना पहल भर रहे अगर तो ठीक है उनका सबके मधेश वादी दल सबके बिहाई से जे एना कैला से वैकल्पिक शक्ति के रूप में हो लेकिन सिक्के राज्य के सेहो कोनो कार्यक्रम हम एम्हर वो राजनीतिक कार्यक्रम में दूटा अपन देलम तकर बाद तो उनको अवस्था की छे से हम जनता के बीच में तो वहाँ एक तो बात और कहल जाए बड़ा इंटरेस्टेड विषय अपने आप में नहीं देख पा रहा हूँ और अखनो कांग्रेस के जो अवस्था से मधेश में जनता के बीच में मजबूती छे तो ई हमरा सब कुछ आंतरिक गड़बड़ी भ गेला के कारण एहन हाल हमरा कांग्रेस के भ गेल यऽ लेकिन भविष्य में जे अखन आप जनता के देख रहल छी मधेश वादी दल सब की कर रहल है गड़बड़ कर रहल है तो ओकर विकल्प के रूप में फिर कांग्रेस के खोजे के प्रयास में है लेकिन एकटा चर्चा दूसरे चीज छै जे राजनीति जे कांग्रेस प्रचंड जी नेकपा छोड़ देथि कांग्रेस संगे फिर चली थी मधेश के दृढ़ दल सब कांग्रेस संगे फिर सेट जते और नया सरकार बनने के संभावना दिखाई दे छी किछ गोटे के रहल छी मधेशी दल के नेता सब कह रहल छी जे हम राष्ट्र के बुझल है सरकार के ना खसते इहो अवस्था छै राजनीति में कोनो चीज असंभव नहीं भेल कखनो जे चीज हम अपने कल्पना नहीं केने रहबे तो वहन भ जाय छै और वो दोसर मोर लड़े लेकिन अब जे रूप में माओवादी आ ये माले मिल रहे तो हमरा सबके तो बुझा रहा है जो ठीक है कल के अपन वो मिल के एक ठम रहते वामपंथी शक्ति तो वो ओकरे एक विकल्प जातांत्रिक शक्ति आइन काल लेट से बनते तो निके रहते हाँ लेकिन अब वहाँ संसद के हिसाब से सरकार बनावे के या गिरावे के खेल में अगर प्रचंड लाग जाए तो दूसरा बात होते कला तो अखन तक तो उनकर वहन भरसम नहीं आ रहा है ओना जे एमाले और माओवादी के एना एना समझौता भेल कह बुंदे कही के जे पालो पालो सरकार के नेतृत्व पार्टी के नेतृत्व दोनों गोड़ा मिल के करो समय निर्धारण करके तो ओहिमे अब केना के है ओकरा सबके आंतरिक बात खुल के तो एक दू बाजी अलै अपन प्रचंड के तरफ से अगर प्रचंड जे ओहन पहल करते तो वो तो दोसर पार्टी जे विपक्ष में है तो ओकर तो बाध्यता भाई छै आखिर केकरो ने केकरो सरकार के समर्थन बना वाला तो करे पड़ते तो वह अगर
तो चंद्र जी अगर पहल करते तो कांग्रेस के बहुत सकते थे मधेशवादी दल सब में जे जे मारे नहीं ओकरा सबके सहयोग करके ओकरा संविधान संशोधन नहीं करके वा कांग्रेस के तरफ से जो कोनो बात राखल गेले तो पहल नहीं करके प्रयास करके कांग्रेस के अपन दूसरे विरोधी के रूप में मानने लगे ये सब कथू नहीं। तो प्रचंड जी अगर पहल करता तो वो समय में कांग्रेस का नहीं रहे समर्थन पहने रहे तो वह अवस्था अगर प्रचंड जी के तरफ से होते तब हमारा सबके तो अखन तक राजकारी हमारा पार्टी के कोनो बात नहीं कर के ना प्रचंड जी जब प्रचंड जी वहन पहल करता तब कांग्रेस सोचते थे। सब सब बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद उनके हमारा जो ऐसा अवसर दिया गया जनता के बीच में अपने सब बीच में कुछ बात रखा के दर्शक ई छलै था नेपाली कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद महेन्द्र मधुकर। हिनका संगे हम सब देश के समसामयिक अवस्था राजनीतिक परिवर्तन के तमाम केंद्र बिंदु इस तमाम विषय वस्तु के जोड़ कर संवाद कर कार्यक्रम कर लगा देख कर प्रतिक्रिया जरूर दे। नमस्कार।